Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. Hi, मेरा नाम है शालीन मल्होत्रा. Hi, मेरा नाम है कावेरी प्रियम और आप हमें देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया. हमारा दिल जिद्दी है, ये चीज़ कॉमन है हमारे बीच. मेरे अंदर जिद है कि मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना है, क्योंकि हमेशा से मेरे क्योंकि मैं बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो सबको लगता है मुझे बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती है, बट मिलती हैं. लेकिन मोनामी को वो ज़िंदगी नहीं चाहिए. मोनामी को चाहिए रफ़ एंड टफ़ लाइफ. वो अपने बलबूते पे अपने कुछ करना चाहती है, अपने आप को प्रूव करना चाहती है, अपने पापा को, अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को. तो वो एक चीज़ है. और दूसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि वो लोगों की मदद करना चाहती है. वो मैक्सिमम लोगों की मदद करना चाहती है, जो वो अपने हॉस्पिटल में नहीं रह के कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि सब कुछ सबको ही वो लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते. दैट मीन्स शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक एंड वेरी सिंपैथेटिक. एंड करण को जिद है कि उसको देश को प्रोटेक्ट करना, उसको देश के रिसोर्सेज का लॉस नहीं होना चाहिए. वो बहुत ही पेट्रियाटिक आदमी है, बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है. उसकी ज़िद सिर्फ यही है कि उसे जितने भी लोगों को अगर ट्रेन करना है तो वो सबके सब ज़िद्दी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ज़िद नहीं तो आप कहीं के नहीं. और उसको नफ़रत है उन लोगों से जो चीज़ों को बहुत आसानी से लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं. इसलिए उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ है कि रूल्स, डिसिप्लिन, एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसका कोई मकसद हो. एमलेस ज़िंदगी जीने वालों से उसको बहुत नफरत है. देखिए, हर शो का कंपैरिजन बहुत सारे शो से होता है, लेकिन ये शो, आप जितने भी पिछले शोज हैं उन सबसे काफ़ी अलग है. और इसलिए नहीं क्योंकि मैं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने वो शो देखे हैं और ये शो मैं कर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि वो चीज़ें जो अलग हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है. वो दिखने में आपको लगेगा कि इनफैक्ट दिखने में भी सेम नहीं है. हमारे कॉस्ट्यूम अलग हैं, हमारी ट्रेनिंग अकेडमी अलग है, हमारे रिलेशंस अलग हैं. इसमें 6 लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत में हैं, दोस्ती है, बहुत कुछ है जो बहुत अलग है किसी भी और शो से. जो मैंने शोज़ किए थे वो बेसिकली एक ऐसा ऐसे बैकग्राउंड में था कि यू नो फैमिली स्टोरी है, यू नो सास है, बहू है, सिस्टर्स हैं. 2-3 रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे थे. यहाँ पे हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बना रहे हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले. कैसी केमिस्ट्री रहेगी यू नो 6 लोगों के बीच में, और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में कितनी कैसी केमिस्ट्री रहेगी. तो आई थिंक काफ़ी यूथ बेस्ड यंग शो है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारे शो में. तो दैट इज़ समथिंग विच आई लव अबाउट माय शो. देखिए, मैं इंतज़ार कर रहा था एक अच्छे शो का, और एक ऐसा शो जिसमें मैं शो वालों को पसंद हूँ और शो वाले मुझे पसंद करें, ताकि वो मुझे कास्ट करें और मैं कास्ट हो सकूँ. और ये एक ऐसा शो था जो किस्मत से और सही वक्त पर आया. और मैंने आज तक जितना भी काम किया, मैंने हमेशा एक ही चीज़ कोशिश करी है कि मैं ऑनेस्टी के साथ वो काम करूँ. और इस शो में भी मेरे वही कोशिश है कि मैं जितना ऑनेस्ट रह सकूँ अपने कैरेक्टर को लेकर एज एन एक्टर, और उतना ही करूँ, उतनी मेहनत करूँ, ताकि इस शो को उस मुकाम तक पहुँचा सकूँ जहाँ मैं सोचता हूँ इसे पहुँचना चाहिए. तो गायब तो ऐसे नहीं था, कोशिश कर रहा था, अपने आप पे काम कर रहा था और उम्मीद लगा रहा था कि बहुत जल्द वापस आ सकूँ. देखिए, अच्छी चीज़ सिर्फ ये है कि ऐसा लग रहा है सबका पहला शो, क्योंकि हम सब इतनी मेहनत और इतने नए तरीके से कर रहे हैं शो कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने पहले काम किया है. और ऐसा भी नहीं लग रहा कि सब एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब वही किरदार हैं. और बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए, और काफ़ी मस्ती होती है, काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है सेट. देखिए, क्योंकि आपने बोल ही दिया मेरी फ्रेंड है तो मैं उसी को सपोर्ट करूँगा. और सना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी पहली को-स्टार थी और 10 साल से उसको जानता हूँ. तो मेरी फेवरेट तो सना ही रहेगी, और सना ने मुझे सरप्राइज़ किया इस बार जैसे उसने परफॉर्म किया. और श्वेता तिवारी हैं जिनके साथ मैंने पिछला शो किया था अपना. श्वेता तिवारी तो मतलब उन्होंने छोड़ दिया है उम्र में 1 साल भी ऐड करना. वो जैसे पहले दिखती थी आज भी वैसी दिखती. खतरों के खिलाड़ी मैं फॉलो कर रही हूँ, और मुझे आई रियली लव दिव्यांका त्रिपाठी एंड अर्जुन पिछलानी. इनफैक्ट सब ने बहुत अच्छा इस बार स्ट्रेंथ दिखाया है, और काफ़ी इनफैक्ट जो भी चैलेंजेस दिए जाते हैं, जो भी टास्क दिया जाता है, सब काफ़ी कॉम्पिटिटिव है एक दूसरे से. सो आई रियली लव दैट दिस खतरों में. ये यूथ बेस्ड शो है, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए.
बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने वाले हैं हम, लव, फ्रेंडशिप, बहुत सारे बॉन्ड्स. तो प्लीज़ देखें, बिकॉज़ यू गोना लव इट. द कंटेंट इज़ वेरी फ्रेश एंड फील इज़ वेरी फ्रेश. कीप शेयरिंग योर लव ऑन अस एंड योर ब्लेसिंग्स ऑन अस. और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं.